नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी तक देखने को मिल रहा था, उस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर एक नया आयाम आया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ ली है, साथ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। सवाल उठता है ये सब कैसे हुआ और ये पॉलिटिकल क्राइसिस था क्या। उस सारी चीजों को समझने के लिए, सारी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को समझने के पहले लीड एक्टर को देखो। सबसे पहले लीड एक्टर हम लोगों को देखने को मिलेंगे उद्धव ठाकरे। ये शिवसेना के अभी तक लीडर हुआ करते थे और जो शिवसेना के लीडर थे वही अभी तक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से यही चीफ मिनिस्टर के रूप में दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है, ही इज ऑल्सो अ सीनियर लीडर ऑफ शिवसेना नोन एज एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अभी चीफ मिनिस्टर की कसम खाई है। ये अभी जितने भी रेबल एमएलए थे जिन्होंने शिवसेना से रेबल किया, उनके लीडर भी देखने को मिल रहे थे। उसके अलावा इन दोनों के पहले, 2019 के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी से थे। इस बार भी जब 2019 के अंदर इलेक्शन हुए तो उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ही एज अ चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़े उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे थे। जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव के अंदर हुआ कुछ ऐसा कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, क्योंकि टोटल सीट थी 289। इन 289 सीट में से मिनिमम 145 सीट जो है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को लानी थी। हाईएस्ट सीट किसी को मिली वो थी 105 बीजेपी के पास में, शिवसेना के पास में 56 सीट्स थी, कांग्रेस के पास में 44, एनसीपी के पास में 54 और बाकी 30 सीट जो है वो दूसरी रीजनल छोटी मोटी पार्टी के पास में थी और कई सारे इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो सीट लेके आए थे। अगर बीजेपी इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन बनाती है तो भी 135 सीट होती है, जिसके कारण से बीजेपी इनके साथ में मिलके कोई भी एक सरकार, एक मोहब्बत वाली सरकार नहीं बना पा रही थी। बीजेपी और शिवसेना का पहले से ही गठबंधन था, जिसके अंदर जब रिजल्ट आए तो फिर बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव यह आया कि 2.5 साल तक हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा, फिर 2.5 साल तक आप अपना चीफ मिनिस्टर बना लेना। शिवसेना को यह प्रपोजल पसंद नहीं आया, जिसके बाद में शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी, इन सब ने आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस कोलिजन ने लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र के अंदर सरकार चलाई और इस सरकार के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे उद्धव ठाकरे। अब हुआ कुछ ऐसा कि शिवसेना के अंदर से ही एकनाथ शिंदे एक अलग ग्रुप के अंदर उभर के आए, जिन्होंने कहा कि मेरे पास में 37 अलग रेबल्स हैं, ये 37 अलग एमएलए मेरे साथ में है जो कि उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करते। ऐसी कंडीशन में अगर 37 सीट्स कम होती है इस कोलिजन की, जिसके पास में 154 सीट थी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्टली ये सरकार जो है वो गिर जाती है। अगर ये सरकार गिरेगी तो बीजेपी और ये जो एकनाथ शिंदे वाला रेबल ग्रुप है ये मिला के 142 सीट्स बना लेगा। साथ में एकनाथ शिंदे का कहना यह भी है कि कई सारे एनसीपी के और दूसरे लीडर्स, दूसरे जो एमएलए हैं वो भी उनके साथ में हैं और टोटल मिला के उनके पास में लगभग 50 एमएलए हैं, और 50 एमएलए के साथ में अगर 105 एमएलए मिलते हैं तो लगभग 155 एमएलए के साथ में ये जो है एक नई सरकार बन सकती है। ऐसा इस तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पर बात यह आई कि जिन लोगों ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ विरोध किया, जिन एमएलए ने शिवसेना से विरोध किया, जिसके अंदर लगभग 37 एमएलए दिख रहे थे, उन 37 एमएलए में से लगभग 16 एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन का केस लगाया गया, जिस एंटी डिफेक्शन के केस के लिए जो डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे, क्योंकि स्पीकर वॉज नॉट प्रेजेंट इन महाराष्ट्र असेंबली क्योंकि सीट वेकेंट है, तो ऐसी कंडीशन में स्पीकर का रोल डेप्यूटी स्पीकर निभा रहे थे, तो डेप्यूटी स्पीकर ने एक नोटिस जारी किया इन 16 एमएलए को लेके और इन्हें कहा कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। ये जो 16 एमएलए हैं, ये 16 एमएलए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इन्होंने कहा कि डियर सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लगाया गया है, ये एंटी डिफेक्शन किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे किसी काम के लिए नहीं लगाया गया, बल्कि ये लगाया गया है पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग को लेके। क्योंकि जब ये डिफेक्शन की बात चल रही थी, जब ये बात चल रही थी कुछ एमएलए ने विरोध कर दिया है, तो उस दौरान में एक मीटिंग बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे द्वारा, और जब ये मीटिंग बुलाई गई थी शिवसेना द्वारा तो उसके अंदर ये 16 रेबल्स नहीं गए थे, ये 16 एमएलए नहीं गए थे, तो इनके ऊपर ये केस लगा। हालांकि और भी एमएलए नहीं गए थे, पर लगभग 16 एमएलए के ऊपर ये केस लगाया गया। तो इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो कुछ हुआ नहीं है, तो हमारे ऊपर ही एंटी डिफेक्शन लॉ का केस कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी चीज डिसाइड होती है वो फाइनली डेप्यूटी स्पीकर डिसाइड करेगा, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बिजनेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 7 दिन का पीरियड है उसको बढ़ा के हम लोग 15 दिन देते हैं,
मतलब ये जो नोटिस आपके पास में आया है इसका जवाब आप लोगों को 15 दिन के अंदर देना है। मतलब जो रेपेल एमएलए हैं, जो 16 एमएलए हैं जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का केस लगा है, उनको उस केस का जो नोटिस आया है उसके प्रति रिप्लाई लगभग 15 दिन के अंदर अंदर देना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि 29 जून 2022 के दिन जो गवर्नर थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को एक मैसेज भेजा। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज नॉट इन अ सेशन, बट लेजिस्लेटिव असेंबली को और साथ में उद्धव ठाकरे को एक मैसेज भेजा गया। इस मैसेज के अंदर उन्होंने कहा कि 30 जून 2022 के दिन सुबह 11 बजे एक फ्लोर टेस्ट होगा, ये चेक किया जाएगा कि वेदर उद्धव ठाकरे की सरकार के पास में मेजोरिटी है या नहीं, और उन्होंने आर्टिकल 174 और आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के तहत जो गवर्नर की पावर थी उसका यहाँ पर प्रयोग किया। सवाल उठता है कि ये दोनों आर्टिकल क्या है, क्योंकि संविधान के अंदर ये जो चीजें हैं वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को ये पावर देता है कि गवर्नर समय समय पर हाउस को, किसी भी एक हाउस को, और अगर किसी स्टेट के अंदर दो हाउस है तो दोनों हाउस को समन कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय पर और किसी भी जगह पे। हालांकि अगर अभी समन किया गया है और उसके बाद में प्रोरोग कर दिया सेशन को, प्रोरोग भी गवर्नर खुद कर सकता है और डिसॉल्व भी लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर खुद कर सकता है। एक सेशन को समन करने के बाद प्रोरोग किया गया और फिर अगला जो समन होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर होगा। 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड यहां पर नहीं दिया जाना चाहिए। गवर्नर के पास में ये पावर है, पर गवर्नर एक रबर स्टैम्प के रूप में काम करता है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट होता है सेंटर के अंदर। हालांकि कुछ पावर के अंदर डिफरेंस है, क्योंकि गवर्नर के पास में कुछ और डिस्क्रिशनरी पावर और है। मतलब फिर भी गवर्नर जो है अपनी इन पावर को, वेदर हाउस को समन करना है या नहीं, वेदर स्पेशल सेशन बिठाना है या नहीं, ये सब कुछ करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, एड और एडवाइस पे। पर यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे के द्वारा चलाई जा रही सरकार, जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं, तो फिर ये कैसे स्पेशल सेशन बिठा लिया गया। तो जब गवर्नर को ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर के पास में, मतलब जो अभी करेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके पास में मेजोरिटी नहीं है, उस केस में गवर्नर अपनी डिस्क्रेशन का प्रयोग करता है, अपने खुद के दिमाग का प्रयोग कर सकता है। तो वही चीज गवर्नर ने यहाँ पे की है। तो आर्टिकल 174 का प्रयोग करके एक सेशन बुलाया गया है, एक स्पेशल सेशन। साथ में आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के तहत द गवर्नर मे सेंड मैसेज टू द हाउस और द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट वेदर विद रेस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंड शेल with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into the consideration। मतलब गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक हाउस में या दोनों हाउस के अंदर एक मैसेज भेज सकता है किसी भी बिल के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। जो मैसेज भेजा गया है उस मैसेज को कंसिडर करेगा वो हाउस जिसे ये मैसेज भेजा गया है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। ऐसा आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। और यहाँ पर गवर्नर ने क्या किया है, एक मैसेज भेजा है जिसके अंदर उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया है। मतलब आर्टिकल 174 और आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के तहत अपनी पावर का यहाँ पर प्रयोग जो है वो किया गया। जब गवर्नर ने ये किया तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिवसेना द्वारा जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है उसने एक केस दायर कर दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि गवर्नर जो ये एक फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं ये बहुत तेजी में कर रहे हैं। और साथ में डाउट ये भी है कि कई सारे एमएलए जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस चल रहे हैं, एंटी डिफेक्शन के केसेस चल रहे हैं, उनके वोट को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को वापस से रिसाइड किया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान ओआरएस वर्सेस स्पीकर केस मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत जो हुआ था वो यहां पर रिसाइड किया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर और गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो एक फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं अगर उनके पास में ऐसा कोई प्रूफ है कि जो अभी करंट सरकार है वो गिर चुकी है, उसकी मेजोरिटी है जो है वो जा चुकी है, और रिसेंटली जो गवर्नर है उनको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि 37 एमएलए जो है वो रेबल कर चुके हैं शिवसेना के अंदर से। ऐसी कंडीशन के अंदर शिवसेना की सरकार बिल्कुल से गिर सकती थी। इस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 जून के दिन सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है,
पर 29 जून की रात को उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जब चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दिया तो ठीक अगले ही दिन यहां पर हम लोगों को देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर लिया गया और साथ में देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी शपथ ले चुके हैं। अब इन लोगों को अपनी मेजोरिटी प्रूव करना होगी 2 जुलाई के दिन। सवाल उठता है कि चीफ मिनिस्टर पहले बना दिया, अब मेजोरिटी बाद में पूछेंगे, पहले मेजोरिटी पूछना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। भारतीय संविधान के अंदर कुछ अलग नियम है, थोड़ा समझते हैं चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे मेरे द्वारा द हिंदू एनालिसिस की क्लास लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बिल्कुल से ले सकते हो, अभी 20% तक के डिस्काउंट चल रहा है। साथ में आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है। भारतीय संविधान चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के ऊपर क्या कहता है। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अंदर यह कहा गया है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर, जितने भी दूसरे मिनिस्टर है, वेदर इट इज अ होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और सारे मिनिस्टर वो भी अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, पर उनको अपॉइंट करने के लिए एडवाइस दी जाएगी चीफ मिनिस्टर द्वारा। मतलब भारतीय संविधान केवल इतना कहता है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करेगा, कैसे करेगा, क्या प्रोसेस होगी, कुछ भी नहीं बताया गया। तो फिर यहां पर प्रोसेस क्या होती है, ये कैसे पता चलता है। तो एक कन्वेंशन है, मतलब एक प्रथा है, क्योंकि भारतीय डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की ही यह प्रथा है कि जो भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त होगा उसे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में मेजोरिटी है वही चीफ मिनिस्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। और गवर्नर हर किसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता, गवर्नर को जिसका लगता है कि यार ये व्यक्ति है जिसके पास में मेजोरिटी हो सकती है, जनरली वो मेजोरिटी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी देखने को मिल रही है 105 सीट के साथ में, तो उससे पूछ लेता है कि आपको लगता है कि कोई आपके यहाँ से मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, आपका कोई लीडर है क्या। अगर यहाँ से कोई लीडर नहीं मिलता है या कोई भी मेजोरिटी पार्टी उभर के नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर चुन सकता है, और जिसको वो चीफ मिनिस्टर चुनता है उसको फिर मेजोरिटी जो है वो प्रूव करनी होती है। जनरली चीफ मिनिस्टर ऐसी कंडीशन में जो चुना जाता है वो लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी का चुना जाता है। रिसेंटली बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी वाली थी, लार्जेस्ट सीट वाली पार्टी थी, तो बीजेपी ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे का नाम दिया, जिसके बाद में एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया, और बाद में उनकी मेजोरिटी जो है वो 2 जुलाई के दिन चेक की जाएगी। उन्हें अब 2 जुलाई तक अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना है। इसके पीछे दिल्ली हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है। 1980 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर टू फर्स्ट प्रूव मेजोरिटी एंड देन अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर। आप पहले भी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कर सकते हो, उसके बाद में उसकी मेजोरिटी एक स्टिपुलेट डेट के अंदर, एक फिक्स डेट जो कि गवर्नर डिसाइड करेगा, उस डेट के अंदर अंदर उसकी मेजोरिटी आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से भारतीय संविधान इन सारी चीजों के ऊपर बात करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक के ऊपर कम ध्यान देना। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को मेरी गाइडेंस के अंदर कराई जाएगी, पर उसके पहले गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों को SRC10 कोड का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।